कुछ बहुत ही कमाल के और स्मूथ वर्कर्स को देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखो फैब्रिक को पेंट करने के लिए कुछ तरीके से पेंटिंग लिक्विड को बनाया जाता है और पेंटिंग लिक्विड को बनाने के बाद उसके अंदर फैब्रिक कपड़े को डाला जाता है और ऐसे बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसके ऊपर कलर हो जाता है। वहीं आइसक्रीम को बनाने का ये तरीका बहुत ही गजब है और ये वर्कर उस तरीके में बहुत ही माहिर है। तभी देखोगे तो शानदार और फास्ट तरीके से पूरे के पूरे आइसक्रीम को बनाता जा रहा है। पेस्ट्री केक्स को बनाना बहुत ही इजी है और ऐसे उसे काम को और भी इजी बनाता है। देखो कैसे स्मूथ तरीके से कप के अंदर डो को फिल करता जा रहा है। बड़े बड़े मॉल्स में एलिवेटर्स को साफ करने के लिए इतने सारे वर्कर्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि बहुत ही स्ट्रेट और फास्ट तरीके से पूरे के पूरे एलिवेटर को साफ कर उसे रेडी भी कर देते हैं। वहीं चाइना में हनी जैम बहुत ही पॉपुलर है और इस जैम को पैक होते हुए देखना भी कितना सेटिस्फाइंग दिखता है। मैटलेस इसको फैक्ट्री में बना कर उन्हें से शेप में काटा जाता है और ये वर्कर उसे कितनी स्ट्रेट तरीके से काटता जा रहा है। वहीं बड़े बड़े खंभों के वायर को कुछ ऐसे हाथ से मोड़ा जाता है और ये वर्कर उसे मोड़कर कितने इजी तरीके से अरेंज करता जा रहा है, जो कि देखने में कितना अमेजिंग दिखता है।